चैप्टर नंबर टू नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने आई थिंक टू थ्री टॉपिक पढ़े थे और फिर हमने स्टॉप किया था, और हमने स्टॉप किया था जब गांधी जी की एंट्री हुई थी। ओके, तो वहीं से हम जहां रुका हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। मोस्ट प्रोबेबली कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो बी प्रिपेयर, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर। ओके, आज क्या है, फ्राइडे है या सैटरडे? फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो संडे, मुझे लगा कल संडे है। ओके, संडे कल भी करेंगे बट जितना टाइम मिला। ओके, मुझे लगा कल संडे है तो ज्यादा टाइम दे लेंगे, बट वी विल सी। ओके, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम ऐसा नहीं कि हम भगाएंगे, टाइम तो हम लेंगे ही। ओके, क्योंकि भगाने से तो मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन दैट कि खत्म कर दे। ओके, खत्म नहीं कर। हाँ चलो, तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ईयर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1915 याद रखो तो चलेगा, लेकिन 16, 17, 18 याद रखना, इसके बेस पे मैप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो नहीं वो जरूरी नहीं है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन वो अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। फिर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पूछा हो और फिर लोकेट करने के लिए पूछ ले कि भाई लोकेट करो, भाई चांपानेर कहाँ है। हाँ, ये आता है ना चांपानेर, चांपानेर आता है, चांपानेर। हाँ, चांपानेर, चांपानेर तो ये पावागढ़ वाला। कल ही मैंने बस के पीछे देखा था, कल मैंने बस के पीछे देखा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे उसका नंबर है, इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया। अच्छा चलो, तो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में। अब याद रखना, ईयर 1916 में ही ट्रैवल्ड टू द चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, ओके, एकदम फोर्सफुल प्लांटेशन सिस्टम था बिहार में, ओके, वो इंडिगो का। ओके, सो उसके लिए चंपारण में, बिहार में उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया कि भाई ये तुम पे जो हो रहा है वो ऑपरेशन हो रहा है, उसके सामने आवाज उठाओ। तो कैसे आवाज उठाया, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वाला गांधी जी क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं पानी बंद करो, सत्याग्रह। कोई भी प्रॉब्लम की एक ही दवाई थी, सत्याग्रह। ओके, लाइक दैट। सो दैट इज देयर एक पॉइंट। देन 17 में क्या किया उन्होंने, ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हु वेर डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स। मतलब कि उस टाइम पे अच्छी बारिश नहीं हुई थी और उनकी अच्छी फसल नहीं हुई थी, इसीलिए गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको जो रेवेन्यू टैक्स पे करना है, टैक्स जो पे करना है गवर्नमेंट को, उसमें डिस्काउंट मिल जाए, उसमें सब्सिडी मिल जाए, उसको रिलैक्स किया जाए। रिलैक्स मतलब माफ कर दो पूरा या थोड़ा माफ कर दो, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हम कुछ माफ करेंगे नहीं। ओके, लगान तो देना ही पड़ेगा। लाइक दैट, लगान मूवी देखना हो, ना देखी हो तो। ओके, के लगान तो देना ही पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा ना, क्योंकि तब तो ब्रिटिशर्स का रूल था। लगान इन द सेंस टैक्स, उसको ही लगान बोलते हैं। ओके, सो वो तो देना पड़ेगा, तो वहां पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर 1918, देखो यहाँ पर बुक के हिसाब से ये ईयर दो को 1917 बोल देते हैं और एक को 1918। ओके, अदरवाइज पहले 16, 17, 18 ऐसे था। सो टेक द लेटेस्ट एनसीईआरटी, ओके, टेक मतलब तुम ऑनलाइन भी देख लो जो हमारी एनसीईआरटी है, उसमें कौन से ईयर है वही लिखना, क्योंकि दो को 17 देखा दिया गया है और एक को 18 वैसे, तो फिर मैप में ईयर अगर लिखा हुआ हो तो गलती ना हो जाए, अदरवाइज पहले ऐसा था लेकिन ये चेंज हुआ है, वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ओके, सो 18 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमोंग द कॉटन मिल वर्कर्स। तो जो कॉटन मिल वर्कर्स है उनके साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह किया था, कहां पर, अहमदाबाद। तो तीन सत्याग्रह याद रखना, 15 में आए साउथ अफ्रीका से पढ़ाई खत्म करके, 16 में उन्होंने बिहार चंपारण में उन्होंने
सत्याग्रह किया था, ऑप्रेसिव वहां पे मतलब उनका ऑपरेशन हो रहा था। ओके, कौन ऑपरेशन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। ओके, तो उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया वहां के फार्मर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ मिलकर। फिर 17 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहां के फार्मर्स के साथ सत्याग्रह किया। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की डिमांड थी, पीजेंट्स की डिमांड थी कि जो रेवेन्यू टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, उसके लिए सत्याग्रह किया था। और थर्डली 18 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिल के सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह के बारे में भी अगर थोड़ा डिटेल्ड में बताऊं तो 16 वाला जो था उसमें क्या था कि इंडिगो, इंडिगो हमारा जो कलर है वो प्लांट से आता है। ओके, तो वो प्लांट मतलब डाई बनाता है। अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में जो मिल्स है वहां से डायरेक्टली कलर प्रिंटेड सब आ गया, तो यहाँ का जो और यहाँ इंडिगो, जब जहां भी तुम इंडिगो क्रॉप करो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पता है? एक बार तुमने इंडिगो जहां पे क्रॉप किया उस जगह पे वापस फिर से और कुछ नहीं होगा। इंडिगो तो होगा ही, लेकिन और कोई क्रॉप तुम ग्रो नहीं कर सकते, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हुआ क्या कि वहां अब रेडीमेड सब मिलने लगा और चीप रेट पे मिलने लगा, जो ब्रिटिश से आता था वो सामान, मतलब वो कलर वाले क्लोथ्स। ओके, तो ये लोग क्या करें, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम अपना फार्म वार्म बंद करो और हम तुमसे कुछ लेने वाले नहीं है, ये वो। इसकी वजह से गांधी जी ने मिलकर उनके साथ सत्याग्रह किया। फिर आया ये वाला केस, वो तो रीजन लिखा हुआ ही है कि रेवेन्यू में रिलेक्शन दो, रेवेन्यू टैक्स में रिलैक्सेशन दो, कंपेंसेशन दो, सब्सिडी दो, डिस्काउंट दो, जो भी वर्ड यूज करो। तो गवर्नमेंट मानी नहीं, उसके लिए सत्याग्रह किया। और थर्ड वाला केस के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको वेजेस कम मिलते थे, सैलरी कम मिलता था और वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी वजह से उनके साथ मिलके सत्याग्रह किया। याद रह गए तीनों पॉइंट, एक एक मार्क में भी पूछा जा सकता है और मैप में तो पूछा जा ही सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है जो तुम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो, रोल एक्ट 1919 में आया था, 6 अप्रैल 1919 याद रख लेना। ओके, रोलेक्ट एक्ट 6 अप्रैल 1919। ओके, तो जो नाइन्थ में पढ़े थे वही है, कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हिस्ट्री तो सेम रहेगी ना, वो थोड़ी डिटेल में आएगी और। ओके, सो दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। मतलब कि इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने ऑपोजिशन रखा था, वो एग्री नहीं थे, फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिशर्स ने ये लॉ, ये एक्ट हरीडली जल्दबाजी में पास कर दिया था। ये पहला पॉइंट। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। जहां पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेस कर दो, उसको दबाने की पावर दे दी गई किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब कौन? ब्रिटिशर्स को। ओके, जहां पर भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, ये लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, अरे पकड़ो और जेल में डालो, लाइक दैट। ये पावर मिल गई उन्होंने हरीडली, इसीलिए पास किया कि उनके लिए सेफ हो जाए सब। देखो ये चालाकी, देखो गलत काम करो वो भी सही तरीके से, मतलब पहले लॉ बनाओ और फिर वो लॉ का यूज करो। लॉ ही खुद गलत है तो बोले हमने तो लॉ के अकॉर्डिंगली किया है, भाई तुम्हारा लॉ ही गलत है, समझ में आया? तो फिर उस केस में तो लॉ तोड़ना ही पड़ेगा, लॉ ही गलत है। सोचो कोई गलत रूल बनाए और फिर हम बोले कि यार तुमने रूल तोड़ा इसलिए तुम्हें यह सजा दी जाती, भाई तुम्हारा रूल ही गलत है तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, लाइक दैट। सो ये आवाज उठानी पड़ेगी जब रूल ही गलत हो, रूल बनाने वाले तो गलत है लेकिन जो बनाया वो भी गलत है। ओके, सो तब आवाज उठानी पड़ेगी। सो इनॉर्मस पावर मिल जाता था, मिल गया है रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली, और उसमें और क्या पावर है? तो भाई इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब के विदाउट ट्रायल मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, मतलब कोई भी कोर्ट में जज के सामने, ये एक रूल है, ये भी लोगों को नहीं पता, आज की डेट में भी ये रूल है कि अगर पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई, घर से उठा के ले गई या कहीं से उठा के ले गई कोई पब्लिक को, तुम्हें इन द सेंस किसी को भी, ओके, दैट मींस क्या कि अब 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को वो बंदे को कोर्ट में ले जाना पड़ेगा जज के सामने, और
पुलिस जजमेंट नहीं दे सकती, ए तुमने चोरी की है तुम्हें तो सजा मिलेगी, मार उनको मारेंगे, ये कोई पावर नहीं है उनके पास। अगर उसने बोल दिया कि इन लोगों ने मुझे मारा है तो उनपे कार्रवाई होगी पुलिस पे, लेकिन जो मार खाता है उसको भी नहीं पता कि मेरे पास ये पावर है, या तो फिर वो डर के करता है कि भाई मैंने कुछ बोल दिया तो ये लोग मुझे और तंग करेंगे और मुझे तो मुझे मेरी फैमिली को भी तंग करेंगे। बट जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाए तो गए काम से, फिर आना पड़ेगा ऑलमाइटी को। ओके चलो, हाँ सो वही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ये लॉ है कि भाई अभी भी है पहले भी था ओके कि जब भी तुम्हें मतलब किसी को भी अरेस्ट किया जाए तो उसको जज के सामने लिया जाए, क्योंकि पुलिस का काम है सिर्फ उसको पकड़ना, गलत काम करे उसको पकड़ना, पुलिस का काम नहीं है जजमेंट देना, उसको टॉर्चर करना, उसको मारना, उसको गोली मारना, ये भी काम नहीं है पुलिस का ओके सिर्फ पकड़ना। देखो पुलिस की पावर बहुत कंट्रोल्ड है लेकिन लोग यूज करते, अरे एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है भाई, तुम भले ही आईपीएस ऑफिसर बन गए हो तो तुम्हें मतलब मंथ की इतनी बुलेट्स दी जाएगी, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरी एक बुलेट ऐसे ही नहीं, हाँ चलो मेरी बर्थडे है ठिशक्याओं तुमने चला दी ऐसी ओके, ऐसे नहीं कर सकते ओके कि भाई मैं तो आईपीएस बन गया हूँ चलो बर्थडे है ठिशक्याओं फोड़ते हैं, नो बुलेट का हिसाब देना पड़ेगा ओके एक एक बुलेट का, तो ऐसा हम नहीं कर सकते ओके। दैट इज द थिंग, एक कोई मूवी में तो मैंने डायलॉग सुना है कि तुम्हें तो सारी बुलेट के हिसाब देने पड़ते हैं, मैं जितनी भी चलाऊं मुझे कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। सलमान खान का मूवी, हाँ वो वांटेड ओके वांटेड मूवी सलमान खान का है, तो उसमें एक्चुअली वो पुलिस ऑफिसर है लेकिन पूरी मूवी में वो गुंडा है फिर लास्ट में पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर है लास्ट में ओके। सो दैट इज द थिंग, तो इसीलिए गुंडों को थोड़ी जवाब देना पड़ता है उनके पास, तो जितनी भी हो वो तो चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर पुलिस को ये पावर दी जाए तो फिर मिसयूज हो सकता है और पावर ना दी जाए तो भी तुमने सुना ही होगा मिसयूज तो होता है ओके, जिसको हम बोलते हैं एनकाउंटर ओके, एनकाउंटर के पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए ये टेररिस्ट, ये प्रिजनर्स पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस के एनकाउंटर में मतलब पुलिस क्या बोलता है कि अपने रिपोर्ट में इन लोगों ने हम पे गोली चलाई इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस में उनको मारा, लेकिन सही में तो उनके पास बंदूक ही नहीं थी, वो आपको कैसे मारने वाले थे, वो तो जेल में बंद थे, तो हम उनको लेने गए थे फिर हमारे पास से ऐसे बंदूक छीन ली एक के पास से और फिर मारना था, वो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ओके। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे बट ऐसे केसेस बनते हैं जानबूझ के, जा भाग जहां भागना है भाग, छोड़ दिया उसको कि उसको छोड़ दिया जो प्रिजनर है उसको छोड़ दिया कि जा तू भाग जहां जाना है वहां जा, और फिर वो भागेगा तो गोली मार, क्यों वो भाग रहा था इसलिए गोली मार, वो भाई तुमने तो बोला भाग ओके लेकिन जल्दबाजी में मतलब इलीगल काम करके भाग रहा था, वो रिपोर्ट ऐसा बनेगा, तो ऐसा सब होता है ओके। तो पावर मिल जाए बोलते हैं ना कि एक पावर के साथ साथ दायित्व आता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, ये वो सीरियल आती थी देवों के देव महादेव, तब शिवजी ने जब विष पिया था ओके, समुद्र मंथन के टाइम पे जब शिवजी ने विष पिया था तब शिवजी ने मतलब ये सीरियल में ऐसा डायलॉग था कि अपार शक्ति के साथ अपार दायित्व भी आता है, मतलब एकदम सबसे ज्यादा पावरफुल अगर हम शिव जी को बोलते हैं तो फिर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास आ जाती है ओके, कि अपार शक्ति के साथ अपार दायित्व भी आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जहर भी पीना पड़ेगा भाई लाइक दैट, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज ये पूरे वर्ल्ड खत्म हो जाएगा ये विश्व लाइक दैट, सो वो इक्वली अप्लाई होता है यहाँ पर। सो दैट इज द थिंग ओके, तो रोलेक टैग 3 पॉइंट याद रह गए, पहला पॉइंट क्या कि वो 6 अप्रैल 1919 को हरिडली बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने हरिडली पास किया था इररिस्पेक्टिव और से इन स्पाइट ऑफ द अपोज फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इट गेव फ्रीडम और से इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एंड थर्ड कि विद दिस पावर गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी पॉलिटिकल और से कोर्ट जजमेंटल ट्रायल्स, मतलब के कोर्ट में ले जाने के विदाउट, मतलब कोर्ट में भी ना ले जाए और दो साल तक, ऐसा भी नहीं कि एक दो मंथ तक, दो साल तक कोर्ट में ले जाने के बाद, मतलब कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट पॉलिटिकल ट्रायल्स भी उसको प्रिजन में रख सकते हैं, वैसा पावर दे दिया गया था। ओके, तो ये तीन पॉइंट थे रॉलेक्ट। ब्लैक लॉ, हाँ यस, ब्लैक लॉ इसीलिए क्योंकि, और उसको ऐसा बोला जाता है क्यों, क्योंकि इनॉर्मस पावर आ गई, इलीगल एक्टिविटी हो रही है और उसी के बेस पे इलीगल एक्टिविटी हुई थी। एनी आइडिया कौन सी? जलियांवाला बाग। ओके, और रॉलेक्ट एक्ट हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया। ओके, मार्शल लॉ मतलब शूटेड साइट का ऑर्डर है। ओके, अब लोगों को पता नहीं है जलियांवाला बाग, कई लोग घूमने आए, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में है ही, वो देखेंगे कि वो आए और आने के बाद क्या हुआ कि जनरल डायर आया, सारे गेट क्लोज कर दिए, शूटिंग का ऑर्डर हो गया। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट था, इसलिए। रॉलेक्ट नहीं होता, मार्शल लॉ भी नहीं आता अचानक से। ओके, तो फिर ऐसा होता, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, इतना रखे आज, कल एंड परसों में हमें हिस्ट्री का ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देना है।